नमस्कार चंडीगढ़ से आपका स्वागत है मैं हूं शैली तनेजा आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित लोकसभा में बयासी प्रतिशत जबकि राज्यसभा में सैतालीस प्रतिशत हुआ कामकाज केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार हुआ समाप्त परसों 24 दिसंबर को होगा मतदान अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न होना था सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्रवाई किसानों के मुद्दों लखीमपुर खीरी घटना 12 बारह सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में बयासी प्रतिशत काम हुआ और नौ विधेयक पारित किए गए उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब १९ घंटे बर्बाद हुए शून्यकाल के दौरान सभा में अभिनव लोकमत के पाँच मामलों को उठाया गया दो दिसंबर दो को सभा का कार्य निष्पादन 204 प्रतिशत रहा सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन बयासी प्रतिशत रहा वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से वेधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ राज्यसभा में विधायक भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में सत्र के दौरान आशा के विपरीत बहुत कम काम हुआ है सदन में जो भी घटना हुई है वे अनुचित थीटिकल व्यूटिंग Happy, healthy and prosperous English New Year and also realization of what has happened is wrong and we should all work towards constructive, positive atmosphere for the larger interest of the country. श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही और बेहतर ढंग से चलाने के लिए सदस्यों से आत्म मंथन करने को कहा संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्यसभा में सैतालीस प्रतिशत कामकाज हुआ लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित किए गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरियंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरियंट की तुलना में तीन गुना अधिक संक्रमक है केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड वेरिएंट डेल्टा देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि आंकड़ों का विश्लेषण वेरिएंट की रोकथाम से संबंधित कड़े और तत्वरित फैसले लेना आवश्यक है राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने से क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं और उनका उपयोग जनशक्ति कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने कंटेनमेंट जोन के मानकों को लागू करने की भी समीक्षा होनी चाहिए इसी दौरान देश में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक दो मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से दिल्ली में सत्तावन महाराष्ट्र में चौवन मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 90 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में एक करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अब तक एक करोड़ से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सत्रह करोड़ तिहत्तर लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास हैं इस बीच वर्तमान में अठहत्तर लोगों का इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर अठानवे दशमलव चार प्रतिशत हो गई है कल छह हजार नौ सौ लोग स्वस्थ हुए हैं अब तक तीन करोड़ बयालीस लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह हजार तीन सौ सत्रह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई अब तक छियासठ करोड़ चौहत्तर लाख नमूनों की कोविड जाँच की जा चुकी है हरियाणा विधानसभा के सत्र की बैठक आज प्रश्नकाल से शुरू हुई प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे जिनका उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिया गया प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया सदस्यों द्वारा प्रदेश के लोगों को दरपेश समस्याओं की ओर भी सदन का ध्यान दिलाया गया अध्यक्ष ने शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र के संबंध में बोलने का मौका दिया कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा को बताया कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा अठारह हजार तालाबों का नवीनीकरण का कार्य किया जाना है इनमें से 550 तालाबों के लिए योजना तैयार कर ली गई है इसके अलावा कई तालाबों पर निर्माण कार्य जारी है बनती नहीं है और इस पर लगातार काम हो रहा है इस समय तक इस वर्ष में साढ़े पांच सौ तालाबों पर ये काम या या तो इसकी प्लानिंग बन चुकी है या काम हो रहा है और यह काम लंबा है कम से कम इसे सात साल आठ साल लगने वाले हैं इसलिए कोई अगर कंटिन्यूशन में काम चल रहा है उस काम को तो बजाय हम बीच में रोकें और उसके लिए और सालों हम खराब करें इसलिए अगर कोई पहले से वेल प्रूव कोई आदमी है और उसका काम ठीक चल रहा है तो तो हम उस काम के लिए इसको अगर एज बढ़ाना तो बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं बढ़ाएंगे मनोहर लाल ने कहा कि नवीनीकरण एवं निर्माण का कार्य प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगा आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चटाला ने भी प्रश्न के उत्तर में विधानसभा को बताया कि अब महाग्राम योजना के तहत तीन हिस्सों में काम होंगे नई जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक की आबादी वाले गाँवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे योजना के तहत पाँच से आठ वे आठ से दस हजार की आबादी वाले गाँव को भी लाभ मिलेगा दुष्यंत चटाला ने बताया कि विशेष बढ़ बजट से प्रदेश के तालाबों की सफाई सफाईकरण का भी काम होगा विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के दौरान सरकार का ध्यान देश में कोविड के नए फैल रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन की ओर दिलाया गया सरकार से नए वेरिएंट के आने वाले मुद्दे नजर उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में भी पूछा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से सेवा इंटरनेशनल नामक एनडीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस सात को राज्य में लॉन्च किया इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर शून्य सात नौ छः नौ शून्य सात शून्य शून्य पाँच शून्य शून्य पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श ले सकता है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए हरियाणा सरकार ने भी कोविड 19 के दौरान मरीजों की ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था हरियाणा में एक प्रकार से शुभारंभ कर रहे हैं और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूँ इसलिए आज तो मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए कॉल आप तक पहुंचाई है मेरे साथी सभी मेरे सामने हैं श्याम पांडे जी हमारे शिव कुमार शुभम जी गौरव पांडे जी और नेजारथ जी सभी लोग साथ जुड़े हैं इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत उद्वधाई, बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना और जो लोग आपको कॉल करेंगे उनकी आप इसी प्रकार से सहायता सेवा करते रहें मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेश से भी करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए के चिकित्सीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब तीन सौ करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया सरकार ने प्रदेश में सी एस आर ट्रस्ट का गठन किया है ताकि सी एस आर के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके परसों 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम की पैतीस वार्डो के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया खुलेआम प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी शहर में लोगों को मिलते हुए दिखाई पड़े चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों और आजाद उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने अपने हक में वोट करने के लिए जमकर प्रचार किया विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने भी शहर में चुनाव रैलियों को संबोधित किया चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं पैंतीस वार्डो में कुल 203 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं प्रशासन ने 24 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा की है चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए छह लाख तैतीस हजार चार सौ पचहत्तर मतदाता अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे शहर में छह सौ चौरानवे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मतों की गणना सत्ताईस दिसंबर को होगी पंजाब हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी है आज सुबह विभिन्न स्थानों पर गहरा कोहरा छाया रहा धूप खिलने के बाद ही कोहरा कम हुआ सड़कों पर दृश्यता कम रही कल पंजाब में आदमपुर दो दशमलव दो तापमान से सबसे ठंडा स्थान रहा हरियाणा में हिसार में तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड जारी रहेगी और विभिन्न स्थानों पर कोहरा भी पड़ेगा मौसम विभाग ने चौबीस दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है और अब पेश है खबरें फटाफट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं को वोटर सूचियों में शामिल करने और नए मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करने के लिए तीन सदस्य समिति का किया गठन कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहने सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें वैश्विक महामारी कोविड 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपने आगोश में ले चुका है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है मास्क ऑफ इंडिया और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डी डी न्यूज चंडीगढ़ फेसबुक डी डी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डी डी न्यूज सी एस टी पर भी देख सकते हैं इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ आप ही घर से बाहर जाए तो मास्क जरूर पहने नमस्कार गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत अनेकता में एकता और वसुधेव कुटुंबकम है यहां की पहचान दिल्ली देश की धड़कन देश की राजधानी देश की शान और सवा सौ करोड़ से ज्यादा देशवासियों का कर ऐतिहासिक धरोहर के इस शहर में इतना कुछ नायाब है जिसे देखने से न तो मन भरता है और न ही थकती हैं इस शहर में जिंदगी की लय है जोश है और इसमें बदलते दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का हौसला भी है दिलवालों की इस दिल्ली में पहली बार हो रहा है एबीयू रोबोकॉन थीम है पारंपरिक खेल पिट्ठू से प्रभावित लगोरी पिछले 20 वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है एबीयू रोबोकॉन के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए आईआईटी दिल्ली मन की बात माननीय प्रधानमंत्री बीमारियां जो हमारे साथ, साथ चलती हैं उन पर चर्चा होती है और आजकल फिर से कोरोना पर चर्चा हो रही है और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा हो रही है वैसे कोविड 19 के बाद से लेकर अब तक पहली वेव दूसरी वेव और अब यह है कि तीसरी वेव पर चर्चा हो रही है और हम सारे अपने आप में सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है क्या एक बार फिर से नया लॉकडाउन होगा या क्या एक बार फिर से तीसरी वेव जो है वो कहर ढाएगी बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं लेकिन क्या सचमुच में हमने कोरोना को हार दे दी है या नहीं दी है बड़े सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम आज इस कार्यक्रम में आपको ज़रूर दिलवाएंगे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षितिज डी विशिष्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल सोलह में डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब जब हम कोरोना की बात करते हैं कोविड आया और कोविड नाइन्टीन उसको नाम दिया गया और उन्नीस के बाद से एक ऐसा दौर देखा हमने जिसमें ये लगने लगा कि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस दौर में ये सब कुछ देखेंगे तो जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड पर थोड़ी सी चर्चा पहले करते हैं ताकि उसके बाद हम वेरिएंट्स पर चर्चा करना शुरू करेंगे कोविड हम किसे कहते हैं कोविड देखिए है, एक वायरस है जय ठीक है जिसने इन्फेक्ट करना शुरू किया जय शुरू चाइना से हुआ यहाँ पर पहुँचा हमारे हमने देखा कितनी वेव्स आई फर्स्ट वेव आई सेकेंड वेव आई ठीक है हमने फर्स्ट वेव के दौरान सारे वर्ल्ड में जैसे बोल रहे हैं पैंडमिक हुआ ठीक है सेकेंड वेव आया फिर जी सेकेंड वेव आने के बाद कितने हमने अपने हमारे जो हैं लोग एक्सपायर भी किए जी ठीक है तो उसके बाद अब जो स्थिति इस टाइम पे आ रही है जी जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि लोग फिर से दोबारा से वही चीज़ें कर रहे हैं वही गलतियां करनी शुरू कर दी हैं जो उन्होंने सेकेंड वेव के दौरान करी थी जी ठीक है अब उन्होंने फिर से वही मास्क जो है वो उतारना शुरू कर दिया है सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दिया है ठीक है ना हैंड हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं आजकल तो इस बात का हमें बहुत डर है कि इस वजह इस वजह से थर्ड वेव जो है वो ना आ जाए जी बिल्कुल थर्ड वेव पर चर्चा बहुत हो रही है हाँ और हम तो यही चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए और हम सभी सुरक्षित रहें लेकिन जब हम सुरक्षा क्वच की बात करते हैं अब कोविड नाइन्टीन की बात है सुरक्षा क्वच वैक्सीनेशन के नाम से हमारे सामने आया और हमने वैक्सीनेशन लगवानी शुरू कर दी तो वैक्सीनेशन पर थोड़ी रोशनी डाली क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं है सर देखिए एक तो मैं बताना चाहूँगा सभी को कि मास्क जो है वो यूनिवर्सल है वैक्सीन जी ठीक है सभी लगा सकते हैं मुंह पे आपने मास्क लगा के रखना है वो यूनिवर्सली वैक्सीन जो है हम करार कर देते हैं उसको ठीक है सेकेंडली ये है कि अभी जो है वन ट्वेंटी फाइव करोड़ से ज़्यादा जो है इंडिया में वैक्सीन जो है वो लग चुकी है ठीक है उसके अंदर से ये है कि फोर्टी नाइन परसेंट जो है अडल्ट जो है अडल्ट पॉपुलेशन है हमारी उसके अंदर जो है फुली वैक्सीनेट कर दिया गया है उन्हें एट्टी फोर पॉइंट थ्री करोड़ के आसपास जो है फर्स्ट डोज भी लग चुकी, लग चुकी है ठीक है तो अभी वैक्सीन ड्राइव तो हमारी ठीक चल रही है इंडिया पहला ऐसा देश है जो 100 करोड़ की जो है वैक्सीन का जो अमाउंट है उसको क्रॉस कर चुका है ठीक लेकिन अभी भी कई लोगों में पाया गया है कि भाई वो वैक्सीन से घबरा रहे हैं जी ठीक चलो पहली पहली डोज लगने के बाद कईयों को साइड इफेक्ट्स भी उसके आए जी ठीक वो भी कोई इतने ज्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं थे मतलब जिससे कोई हमें बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली फीवर आ रहा था जहाँ लग रहा है इंजेक्शन वहाँ पे साइट पे दर्द हो रहा था दो तीन दिन फीवर आया लथारजी महसूस करी लोगों ने लेकिन वो दो तीन दिन बाद ठीक हो गई अब कई लोग क्या कर रहे हैं सेकेंड डोज लगवा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें फिर से ज्यादा से यही फिर दोबारा यही प्रॉब्लम आएगी मैं बताना चाहूंगा इंडियन डाटा जो निकाला गया है अगर, अगर उसके अंदर है 96 परसेंट जो है मोटेलिटी रेट मतलब डेथ की तादाद जो है वो कम हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हो तो. ना और 98 परसेंट कम हो जाती है जब आप सेकेंड डोज लगा लेते हो तो तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काइंडली आप लगाइए वैक्सीन को वैक्सीन लगानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अभी अपना ऑफिशल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन्होंने बड़े फॉर्म पे बोली गई है ये बात कि ये जो वैक्सीन है दीज आर ये वैक्सीन जो है डिजीज़ मोडिफाइंग वैक्सीन हैं दीज़ आर नॉट डिजीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स ठीक है तो अगर आपको बाय चांस लगाने के बाद हो भी रहा है कोविड तो उसके जो है इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम देखे गए हैं और डेथ की तादाद जो है काफ़ी कम देखी गई है बिल्कुल सही बात आपने की कि वैक्सीनेशन आप लगा रहे हैं तो अपने आप को बचा भी रहे हैं और सिवेरिटी जो होती है अगर आपने वैक्सीनेशन लगा रखी है दोस्तों तो आपको ये समझना होगा कि आप सुरक्षित हो गए हैं अगर कोविड दोबारा से हो भी जाता है तो आपको शायद अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी थोड़ा सा गला ख़राब होगा आप खांसेंगे कोल्ड होगा बुखार होगा लेकिन घर पे ही ठीक हो जाएंगे और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं तो गंभीर किस तरह के परिणाम होते हैं हम सब समझते हैं वो गंभीरता हमने देखी भी है और सेकंड वेव में तो हम सब समझ गए हैं और सेकंड वेव के बाद डॉक्टर साहब आपने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और हमने ये भी देखा कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो बेफिक्र हो गए क्योंकि साइकोलॉजिकली एक बहुत फ़र्क पड़ता है हमने भी लगवाई है दोनों लगवाई हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं और हम ये अपने आप में फील करते हैं कि हाँ यार हम तो सुरक्षित हैं और सभी को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि भाई आप भी सुरक्षित हो और अगर एक डोज़ लगाई है तो दूसरी लगा लें लेकिन इसमें भी समझने की बात है कि हमने एक डोज लगाई फिर तीन महीने चार महीने छः महीने बैठ गए चुप करके तो क्या दोबारा से उनको फर्स्ट डोज लगाने की आवश्यकता है या सेकंड डोज ही लगा लें तो काम चल जाएगा सेकंड डोज ही लगेगा सर फर्स्ट डोज लगता है उसके 84 डेज बाद दो है। दूसरा आपका जो है 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 जी जी पेंडिंग हो जाता है, उस 84 डेज के बाद आपको लगाना होता ठीक और जो मिस कर चुके हैं मिस कर चुके हैं तो जितनी जल्दी उनको याद आता है जरूर लगाएं ऐसा नहीं करना है कि एटी डेज हो गए हैं और आपको एटी डे पे कोई बंदा बोलेगा कि वैक्सीन नहीं लगेगी आपको ऐसा कुछ नहीं है और मैं ये बताना चाहूंगा वैक्सीन एंड नॉट ओनली वैक्सीन ये मैं कहना चाहूँगा। अगर वैक्सीन लगा रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने वैक्सीन लगा रखी है मैंने मास्क उतार देना मैंने सब कुछ उतार देना ठीक है ना तो वैक्स अपना मास्क जो है वो लगा के रखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है जरूर जी बिल्कुल सही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है और ये व्यवहार क्या है आप सब सम समझते हैं जानते हैं लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें आपको मास्क धारण करना है और मास्क पहनना है नोज़ भी ढका होना चाहिए मुँह ढका होना चाहिए यह नहीं है कि चिन के नीचे रहे आपका मास्क और आप कहें कि हम तो मास्क पहने रखते हैं वो तो बहुत सारे लोग पहनते हैं हम देखते रहते हैं आप मार्केट में जाके एक वीडियो बनाइए और फिर देखिए कि कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है चिन के नीचे होगा 99% परसेंट लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को अगर सैनिटाइजर है वेल एंड गुड नहीं तो साबुन तो है ना साबुन से हाथ साफ़ करने का तरीका आप समझ सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों को साफ रखें और हम तो ये भी कहेंगे कि ये जो टी पॉइंट है हमने अब इस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ी चर्चा की है कि टी पॉइंट को बार बार ना छुएं अगर आपने किसी सरफेस को टच किया है अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए हैं तो अगर टी पॉइंट पॉइंट को बचाए रखेंगे तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आजकल सर्दियां आ चुकी हैं लोग बिल्कुल सारे कमरे बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं थोड़ा सा वेंटिलेशन जरूर चाहिए होगा उसके अंदर बिल्कुल सोशल गैदरिंग जो है वो इतनी नहीं कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब सोशल गैदरिंग की बात की आप सोशल गैदरिंग पर अभी पीछे हमने चर्चा की थी कि जब फेस्टिव सीजन आया तब भी हमने देखा कि धड़ल्ले से लोग बाहर जा रहे हैं और है। अभी भी आप देख लो कि मार्केट्स में चले जाएं तो रश वैसा ही है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो है शून्य कह सकते हैं हम क्योंकि एक के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है और पहले अगर आप जाते थे किसी दुकान पे तो सैनिटाइज अपने हाथ करने के लिए बाहर उन्होंने लगा रखे थे अब हटा दिए हैं जबकि इतनी जल्दी हटाने नहीं चाहिए हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको ये कह दिया हो कि आप मास्क उतार लें आप सैनिटाइज ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग दूर रखें सर ये मैं बताना चाहूँगा देखिए मतलब बाकी ग्लोबल बाकी जो हैं कंट्रीज़ उनसे कंपेयर करना चाहूँगा जो कंट्रीज़ हैं जैसे आपका जर्मनी हो गया उसने तो मास्क फ्री कर दिया था उन्होंने उन्होंने सारी ये मेयर्स जो हैं इनको ढील बरतनी शुरू कर दी थी इसके अंदर और फिर दोबारा से वो वहीं खड़ा है जहाँ पे वो था जी अराउंड अभी भी फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड केसेज रोज़ के आ रहे हैं वहाँ पर तो उनसे भी हम सीख सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है ठीक है पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है और क्यों फालतू में किसी चीज़ में फंसना है क्यों थर्ड वेव के अंदर फंसना है जब भी हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है और आजकल की बात करते हैं आपने कहा कि अब मौसम बदला है लोग इकट्ठे गैदरिंग में जाते हैं घरों में बंद कमरे में रहते हैं वेंटिलेशन की आवश्यकता है लेकिन आजकल जैसे सर्दियां हैं शुरुआत होती है तो फ़्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं कोल्ड भी हुआ खांसी भी हुई ऐसे में कहते हैं कि ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अपने आप में अगर फ्लू की बात करते हैं तो दो तीन दिन के बाद कहते हैं वो तो ठीक हो जाता है लेकिन अगर वो लिंगरॉन कर रहा है तो कहते जागने की आवश्यकता है थोड़ा सचेत तो होना चाहिए क्या कहेंगे सर इसके अंदर देखो जब पैंडेमिक नहीं था जय तब तो फ्लू होता था लोगों को दो तीन दिन रहा और निकल गया जय ठीक है लेकिन अब जब पैंडमिक है जय फ्लू कॉमन कोल्ड के और कोविड के सिम्टम्स जो हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं ठीक अराउंड सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो मिलते ही हैं सिर्फ ये है कि कॉमन कोल्ड में जो है सांस जो है वो नहीं चढ़ता है जय लेकिन कोविड में अगर कोविड है तो यह चीज हो सकती है ठीक अब उसके अंदर क्या है है अगर आपको लिंगर ऑन आपका ये कर रहा है, दो तीन दिन निकल रहे हैं उस चीज़ के लिए मेरे मुताबिक तो अगर आपको एक दो दिन भी हो रहा है ना तो आप काइंडली अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर करा लें ठीक है यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉमन कोल्ड ही हो यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो तीन दिन बाद क्योंकि आपने वैक्सीन लगा रखा है आपको सिम्टम्स उतने आएंगे नहीं हो और ये हो सकता है कि आपके अंदर कोविड हो और आप मास्क उतार रखे है ये कर रखा है बाकियों को भी फैलाओ जी ठीक है तो बेटर है कि आर टी पी सी आर या अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो जरूर कराएं आज के टाइम पे जी बिल्कुल हमारे दर्शक इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि आर टी पी सी आर की डॉक्टर साहब जब बात आती है या एंटीजन की बात आती है तो आम आदमी सोचता है क्या जरूरत है करवाने की और वो डरता भी है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो

तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप क्वारंटाइन होना भी पड़ रहा है और अगर आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आ जाता है एंटीजन पॉजिटिव आता है तो आप अपने परिवार को और अपने आसपास के दोस्तों को लोगों को भी तो बचा रहे हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैसे भी और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और तुरंत आपको आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए ताकि अगर कोविड की संभावना है तो आप अपने आप को भी बचा पाए अपने परिवार को और अपने आसपास के साथियों को भी डॉक्टर साहब डरना नहीं है जिम्मेवारी लेनी है जिम्मेवारी लेनी जी और जिम्मेवारी लेने को हम तैयार नहीं होते हैं और हाँ। ये सोचते हैं कि ठीक है यार चलता है थोड़ी देर देख लेते हैं जब हम ओमिक्रोन की बात करते हैं नया वेरियंट है और जैसे जैसे हमने सुना तो एक भय सा मन में फैलने लगा तेजी से सरन सी उठने लगी क्या होगा अब क्या सच में एक और लहर अब सर देखो ओमिक्रॉन आया है साउथ अफ्रीका से जी ठीक है ये ट्वेंटी फोर्थ को पहली बार पाया गया है वहां पर जी ठीक है ट्वेंटी सिक्स को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डब्ल्यू एच ओ ने जे. बोल दिया है अब वेरियं, वेरियंट वेरियंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है डब्ल्यू एच ओ की अगर आप डेफिनेशन देखिए उसके अंदर ये है कि इसकी हो सकता है ट्रांस ये ट्रांस ट्रांसमिटेबल जो है वो ज़्यादा हो सेकेंडली ये हो सकता है कि हमारी जो मेडिसन हैं वो इस पर काम ना करें थर्ड इसका ये हो सकता है कि जो हमारी वैक्सीन है वो इस पर काम ना करें जय ठीक है फोर्थ ये हो सकता है कि जो हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं आर टी पी सी आर है रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसके अंदर भी ये पिकअप ना हो जय इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है इंडिया में अभी दो केसेस आए हैं कर्नाटक में चार चार हो गए तो उसके अंदर उनके अंदर भी ये पाया गया है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं कोई ऐसी बात नहीं है ठीक अब ये है कि यहाँ पे हमारी लैब्स हैं जहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है जी ठीक है अराउंड थर्टी सेवन थर्टी एट लैब्स हैं जी उसके अंदर पता लगता है कि भाई ये कौन सा वेरिएंट है जी तो आपको अभी हैरानी होगी अभी भी, भी हैरानी भी क्या है अच्छी चीज़ है कोई नया अभी आया नहीं है अपने पास ओमाक्रॉन का इतना कोई बड़ा स्पाइक आया नहीं है अप्रैल ट्वेंटी से लेकर अभी तक अभी भी डेल्टा वेरियंट जो है वो ही चल रहा है जय अभी ओमिक्रॉन जो है वो नहीं आया है जय ऐसे और ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ओमिक्रॉन नहीं आया है और डेल्टा वेरिएंट चल रहा है अभी भी अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हैं या पंचकुला की बात करते हैं या मोहाली की बात करते हैं यहाँ जितने भी केसेस आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं कुछ ना कुछ केसेस आते रहते हैं हमें शायद उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है और हम मास्क उतार लेते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात आपने की कि डब्ल्यू ने कहा कि ये कंसर्न की बात है तो हमारे लिए भी कंसर्न होना चाहिए देखे कि देखे अगर ओमिक्रोन आया है तो हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए वही डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे भी सेम था तब जे. भी variant, भी वेरिएंट वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही रहा है जी तो हमने बस कोविड बिहेवियर जी वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर पूरा रखना है और कुछ नहीं है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब वैसे कंसर्न यही तो है इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि एक वेरियंट और आ रहा है एक अभी गया नहीं और हमने मास्क उतार दिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि दे दी कहा कि जा अब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही करते सैनिटाइजेशन तो चलती रहती है हो गई तो ठीक है नहीं हुई तो नहीं सही और मार्केट में धड़ल्ले से और सोशल गैदरिंग में हमने परवाह करनी छोड़ दी और यही सेकेंड वेव के वक्त हमें देखने को मिला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जब हम आगे बढ़े तो हमें सेकेंड वेव का सामना करना पड़ा और वो स्थिति एक डरावनी स्थिति थी और आगे वो डरावनी स्थिति ना बने क्योंकि आज हर किसी को देखो टीवी ऑन करता है सोशल मीडिया पर जाता है तुरंत देखता है कि ओमिक्रोन क्या कर रहा है और ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी जिम्मेवारी क्या है ये जिम्मेवारी अपनी बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए जी ये बहुत जरूरी है अब देखिए कि वायरस बदल रहा है जी वायरस का स्वभाव बदल रहा है पर हमारी जिम्मेवारी जो है वो वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसी थी जी ठीक है ये नहीं होना चाहिए कि भाई छोड़ दिया सब कुछ बिल्कुल सही है और डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि वायरस जो है वो अपना स्वभाव हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना बिल्कुल हमें अपना स्वभाव नहीं उसको बदलने देते हैं लेकिन कहते हैं कि अगर हम अपना स्वभाव नहीं बदलते व्यवहार नहीं बदलते हैं और हम उसी तरह मास्क पहने रखते हैं क्योंकि एक सबसे पहला सुरक्षा कवच है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सैनिटाइजेशन जो है वो प्रॉपर रखते हैं हाथों तो की हैंड सैनिटेशन और अगर इसका हम पालन करते हैं तो अपने आप को तो वैसे ही बचाए रखेंगे okay, आप एक कवच दे रखा है गार्ड है आपके पास जी ठीक है आप उसको लगा के रखिए अच्छे तरीके से हम इससे भी निकल जाएंगे हम पहले भी इन चीज़ों से निकले हैं हम दोबारा निकल जाएंगे जे. कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल निकल जाए सेकेंड वेव अभी तो हम थर्ड वेव के बारे में चल पड़े हैं सेकेंड वेव भी अभी चल ही रही है साथ साथ आपके नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड केसेस तो रोज के आ ही रहे हैं अभी मेरे तो अभी थर्ड वेव की तरह हम ना इतनी उस पर जाएँ पहले हम अपने आप को देखें अपने अंदर को अपने अंदर की तरफ झांक के देखेंगे एक्चुअल में वॉट वी आर डूइंग जी बिल्कुल तो हमें बढ़िया तरीके से मास्क वास्क लगाएं बस ठीक है बढ़िया जी डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की बात करते हैं हाँ जी वैक्सीनेशन अब ड्राइव जो है एकदम से दोबारा से तेज़ कर दी गई है जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है उन स्टेट्स को ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन पूरी कराई जाए और सेकेंड डोज लगवाई जाए तो हमारे यहाँ अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं सेक्टर 16 अस्पताल की बात करते हैं तो यहाँ पर वैक्सीनेशन किस तरह से ड्राइव चल रही है और क्या हो रहा है वैक्सीनेशन सर बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राइव चल रही है जो आ रहा है उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं एटीन के ऊपर जो भी आ रहा है उसको वैक्सीन कर रहे हैं वैक्सीनेट कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है मतलब सबसे पहले तो हमने ये करना था कि भाई जो रिस्क पे हैं मतलब जो रिस्क पे चल रही है पॉपुलेशन जिनको डायबिटीज़ है जिनको हार्ट की दिक्कत है हाइपरटेंशन है थायराइड है कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनको सबसे पहले किया गया वैक्सीनेट उनको सेकंड डोज भी लगाई गई अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लान कर रही है हर घर दस तक एक कैंपेन निका, निका, चलेगा चल रहा है इनफैक्ट अभी भी घर घर जाके वैक्सीन जो है वो लगा भी रहे हैं तो निकल जाएंगे इस चीज़ से जी लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं दोस्त हैं और अभी मेरी चर्चा हो रही थी किसी से कि उनके कोई मित्र थे तो उन्होंने कोई भी डोज नहीं लगाई और होता ना कि हम भ्रम पाल लेते हैं भ्रांतियां हैं और सोशल मीडिया पे गए उस पर पढ़ लिया कि जिनको एलर्जी है जिनको कोई प्रॉब्लम है वो ना लगाएं पता नहीं क्या हो जाएगा वो डर अभी भी बना हुआ है इसको तो क्या सर, कहेंगे इसको इन्फोडेमिक्स बोलते हैं एक साथ साथ पैंडमिक चल रहा है साथ साथ इन्फोडेमिक चल रहा है कुछ भी लोग बोली जा रहे हैं जी तो उस पर चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो चल रहा है उसको चला रखा है मेरे मुताबिक लगनी चाहिए वैक्सीन क्यों नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल सही कहा okay. आपने क्योंकि कहते हैं कि जितनी बातें हम सुनते हैं उससे हम उलझ जाते हैं जाते है ना है। और जितने मुंह उतनी बातें एक कहावत भी है और okay. जितने लोगों से मिलेंगे अलग अलग अपने हिसाब से वो ब्यौरा देगा कि वैक्सीनेशन से ये होता है वैक्सीनेशन से ये कंसर्न पर्सन से मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से मिले बिल्कुल क्यों मिलना है किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो डॉक्टर अगर बोलता है आपको कि हाँ लगवानी है आपको तो लगवानी है आपको जी बिल्कुल डॉक्टर अगर बोलता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप डायबिटीज़ से पेशेंट हैं डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए आपको एलर्जी कंडीशन से दो चार होना पड़ता है लगातार और आप अपने आप में सोच के बैठ करें कि सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एलर्जी वाले पेशेंट ना लगाएँ वैक्सीनेशन तो आप लगाएंगे नहीं क्या आप विशेषज्ञ के पास जाएँ उससे डिस्कस करें अपने ही डॉक्टर के पास जाएं उससे डिस्कस करें कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं क्या मैं वैक्सीनेशन कर रहा हूँ या ना कराऊँ अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य भी है और इससे आप अपना योगदान भी दे पाएंगे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो वैक्सीनेशन में अब जो कहा जा रहा है कि जिनको एक लगी है तो दूसरी लगा लें तो जिनको एक लगी और वो वापस ही नहीं अस्पताल आए तो क्या कुछ ऐसा भी किया जा रहा है कि उन्हें ट्रेस आउट किया जाए और उन्हें वैक्सीनेट किया जाए सर अभी मैंने वही आपको बताया हर घर दस्तक जो है चल रहा है चल रहा है। आपको मैसेजेस आते हैं फोन पे आप कभी देखोगे मैसेज आएगा आपको कि भाई ये मतलब उनके उन्होंने तो ट्रेस कर रखा है ना आपको जी कि हाँ अभी इन्होंने इन, दूसरी डोज लगाई नहीं है प्रॉपर उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको जी अभी आने वाले टाइम पे अभी भी चल रहा है इनफैक्ट अगर आपको कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना है यू नीड अ सर्टिफिकेट जी सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए अगर जाना है आपको तो, तो बेटर है कि आप लगा लो अब्रॉड जाने के लिए नहीं लगाना है अपने आपको बचाने के लिए लगवाना है हमें जी समझ गए तो होना चाहिए लगवाओ उसको डॉक्टर तो साहब ये तो हुआ कि हम लगा लें और अब्रोड, अब्रोड जो नहीं जा रहा उसको भी लगाना लगाना चाहिए उसको भी लगाना। क्योंकि आ, हम अपने आप को बचा रहे हैं ना अपने परिवार के लिए अपने दोस्तों के लिए, के लिए अपने लिए, मित्रों के लिए कम्युनिटी के लिए क्योंकि अदरवाइज अगर हर कोई सेल्फिश हो जाएगा कहेगा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है मैं घर में पड़ा हूं मुझे क्या जरूरत है मैं बाहर भी नहीं जाता हूँ तो मुझे तो नहीं लगवाना चाहिए लेकिन बहुत सोच का मालिक होगा बात बोलेगा कोई तो बिल्कुल <laughs> जो ए होते हैं हाँ जी। वो कितने खतरनाक होते हैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डाली क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुझे कोविड तो नहीं है शायद फ्लू होगा और ये नहीं पता ए एसिमटोमेटिक आप कोविड हैं और पता नहीं कितने लोगों को फैलाकर आगे बढ़ जाएंगे प्रॉब्लम देखी गई है पिछली बार भी वेव आई हुआ है और घूम रहे हैं वो इधर उधर जय गैदरिंग्स में जा रहे हैं शादी ब्याह चल रहा है पूरा तो उन्होंने फैलाया भी था उसके अंदर जय तो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई उनके कारण ही ऐसा हुआ है लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर भी थे जे और जो फैला रहे थे जी बिल्कुल ठीक तो है तो वही है वैक्सीन लगाइए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है अपना टेस्ट जरूर कराइए पैंटेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं ना हम जी तो जब पहले नहीं था 2018 में आपने किन लोगों से बात करी थी कि हाँ भाई आपको फ़्लू है तो आप कोई टेस्ट करा लो इस पर चर्चा ही नहीं होती थी वही तो अब तो है जो हमारे पास स्टडीज हैं सारा कुछ है हमें करवा लेना चाहिए जी बिल्कुल स्टडीज़ हैं सब कुछ है और अगर पैंडेमिक दौरान अगर फ्लू होता है लिंगर ऑन कर रहा है या ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करवा लें इससे पता चल जाएगा और आप अपने आप को बचा भी पाएंगे डॉक्टर साहब जब हम ओमिक्रोन की बात करते हैं तो ओमिक्रोन पर चर्चा हो रही है डब्ल्यू ने अब ये भी कहा है कि शायद ये ज़्यादा ख़तरनाक ना हो और जिन्हें हुआ है उन्होंने भी कहा है कि सिम्टम्स फ़्लू जैसे थे लेकिन सांस नहीं चढ़ रही थी फिर भी जब टेस्ट कराया गया तो कोविड निकला फिर ओमिक्रोन की बात आई तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें तो बचे रहें मैंने आपको वही बोला ना वैक्सीन वैक्सीनेशन जो है डिजीज़ मोडिफाइंग जय उस पर चल रही है इस टाइम पर ठीक है अगर क्या पता वैक्सीन ना लगाई होती तो क्या होता ठीक है अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास हैं वो ओमिक्रोन के अगेंस्ट जो है काम कर रही हैं जी बाकी फर्दर स्टडीज की जरूरत है बड़ा प्रीमेच्योर होगा ये बात बोलनी अभी जी लेकिन अभी स्टडीज जितनी आई हैं उस मुताबिक तो चल रही है जी ठीक है आने वाले टाइम पे क्या होता है वो सिर्फ टाइम ही बता सकता है स्टडीज बता सकती हैं साइंटिस्ट बता सकते हैं बिल्कुल हाँ जी दोस्तों जान गए ना आप कि आने वाले वक्त में रिसर्च होगी बहुत कुछ ओमिक्रोन के बारे में पता चलेगा और अभी जो पता चला है वो यही है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है और एक तो वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच हुआ दूसरा मास्क हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग हुई और हैंड सैनिटाइज सैनिटाइजेशन हुई आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और अपने टी पॉइंट को जितना बचा के रखेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें मैंने पहले भी बोला था मैं अभी भी बोल रहा हूँ वायरस अपना स्वभाव बदल रहा है आप अपना व्यवहार मत बदलिए थैंक यू जी जान गए ना दोस्तों आप कि वायरस अपना स्वभाव बदल रहा है वो बदलेगा और बदलता चला जाएगा लेकिन आपको वो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है और वो प्रोटोकॉल है मास्क धारण करना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहना वैक्सीनेट भी अपने आप को जरूर करा लें इतना करेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश की भलाई में भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर क्षतिज डी विशिष्ट आप हमारे कार्यक्रम में आए आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू नए जमाने की नई तस्वीर अब छत पर लगे टीवी एंटना को कहो गुड बाय सदा के लिए समय के साथ बदले आगे बढ़े ले आए आज ही दूरदर्शन का डी डी फ्री डिश इसमें है आपके पसंदीदा सौ से ज्यादा टीवी चैनल इसके अलावा इक्यावन एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और अड़तालीस रेडियो चैनल्स और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं बिल्कुल नहीं